राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ इन फूलों की तरह आप भी इसी तरह महकते रहें, खिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और आपका जीवन खुशहाली भरा हुआ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये है आज सप्तमी का दिन। दिन तो मतलब मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, मैंने शाम को थोड़ा सा मन किया, इच्छा हुई तो थक गई थी दिन में। तो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा अलग सब्जी बनाइए, तो मैंने आज बनाया है। दिन में तो देखिए मैंने बनाई थी सुबह पत्ता गोभी आलू की सब्जी, दाल चावल। तो बेटी ने चावल खाई नहीं, उसने कहा मेरे को छौंक देना। थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी ऐसे कच्ची रख ली थी कटी हुई कटोरी में, उसने खाना नहीं खाया। तो मैंने वो मैंने शाम को बच गए थे चावल, तो मैंने शाम को छौंक। और ये बना रही हूँ उनके लिए नमकीन की जो सब्जी होती है ना, गाँठियाँ जो होती हैं नमकीन की मोटे वाले उसकी सब्जी। ठीक है, नवरात्रि चल रहे तो प्याज डलता नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने दो टमाटर कस करके डाल दिए तेल गर्म करके सरसों के तेल में, और वही राई जीरा हींग डाल करके, और जो हमारा टमाटर है उसको अच्छे से भून लिया। सेम इसी तरह मैंने डाल दिए दूसरी कढ़ाई में, इसमें मैं चावल छौंकूंगी। पहले मैंने जो तेल गर्म करके जो मेरी पत्ता गोभी थी उसको पहले फ्राई कर लिया हल्का हल्का सा, तो ज़्यादा नहीं, हल्का उसका कच्चापन निकल जाए। क्योंकि इसमें जो हम राइस बनाते हैं ना, इटालियन राइस की या चाइनीज़ राइस की, थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी अच्छी लगती है इसमें पत्ता गोभी। तो फ्राई करके मैंने निकाल ली थी, उसके बाद फिर मैंने टमाटर दो कस करके डाल दिए थे, उसको भून लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें पत्ता गोभी ऐड की, जो भी चावल थे थोड़े से जो उसके बनाने थे वो मैंने इसे मिला दिए। उसके बाद जो बेसिक मसाले वही हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, नमक, क्योंकि फीके थे चावल, और इसमें डाल दिए शेजवान चटनी और थोड़ा सा सोया सॉस, तो परफेक्ट बन गए। तो देखिए ये वाली नमकीन का मैं सब्जी बना रही हूँ, तो उसमें डाल दिया मैंने एक चम्मच घर की मलाई, और ये देखिए दाल बच गई थी तो उसको मैं आटे में लगा लूँगी। और भूख के लिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए सिर्फ एक रोटी का आटा लगाऊँगी, क्योंकि सुबह का लगाऊँगी तो मैं ऐसे आटा यूज़ नहीं करती हूँ, उनके लिए अलग से थोड़ा सा। देखिए एक रोटी का आटा आराम से फटाफट बन जा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखिए मेरे ये बेटी के लिए बन गई राइस, तैयार हो गई। और ये मैंने वो सब्जी बना रही हूँ उसमें एक गिलास पानी डाल दिया, और अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और ये मैंने आटा लगा लिया है, और सिर्फ एक रोटी का ही आटा लगाया था, क्योंकि उनके लिए बनाना था मुझे फ्रेश आटे का, क्योंकि जो दाल वाला आटा है ना उससे मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैं कभी कभी इस तरह से जब बनाती हूँ ना, तो उनके लिए ऐसे शक्कर वाला पराठा बनाती हूँ। तो बच्चों को वैसे भी आपको पता है ये पसंद होता है जो शक्कर वाला पराठा है, और मेरी छोटी बेटी है ना उसको तो बहुत पसंद है ये वाला पराठा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भी इस तरह से जो शक्कर का पराठा बनाते हो भोग में। मैं अक्सर शाम के टाइम बनाती हूँ मीठा पराठा लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से, और अच्छे से सेक देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। या मतलब जब भी भोग लगाती हूँ ना, बड़ी वाली बेटी को पसंद नहीं है ये वाला मीठा पराठा, लेकिन छोटी वाली बेटी अक्सर मुझसे मांगती है कि देखो भोग लग गया क्या, भोग लग गया क्या, और उसको बहुत पसंद है। वो छोटी थी तब से ही उसको पसंद है। और इसमें अच्छे से घी लगा कर सेकते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, और ज़्यादा फुल फ्लेम नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम ही रखना है तो अच्छा सिकता है, तो खाने में थोड़ा क्रिस्पी हो ना तो अच्छा लगता है। ये पराठा जो शक्कर वाला है तो मैं भोग में इसी को बनाऊंगी आज, और बाकी की जो दाल है उसमें थोड़ा सा आटा डाल करके वो सबके लिए उसकी चपाती बना दूँ। मैंने आटा लगा दिया है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार हो गया। तो सबसे पहले उनको भोग लगा दी थी, टाइम हो गया 7:30-8 के आसपास हो गया है, तो वैसे ही लेट हो गई तो फटाफट से उनको भोग लगा देती हूँ, और सब्जी हमारी बनती रहेगी बात। तो देखिए मैं उनके लिए पचा रही हूँ भोग, उनका तैयार हो गया है, और ये देखिए उबल गया है हमारा पानी। और इसको अब मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी। देखिए नमकीन डालने के बाद उसको ज़्यादा उबालने की जरूरत नहीं होती, बस डालो हल्का सा चलाने के बाद, और इसमें धनिया डाल दो हरा धनिया, और इतनी टेस्टी सब्जी लगती है। और अगर मैं घर में कोई भी सब्जी ना हो ना, तो ये सब्जी बना लीजिए नमकीन की सब्ज़ी, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज सुबह सुबह अष्टमी का है दिन, तो मैंने फटाफट से काम को निपटा करके खुद नहा ली थी, और आज तो मेरा फास्ट है ही, तो फिर दो के नहाना था एक, तो
और गोपाल जी को फटाफट से नहला करके उनको आज आज मैंने उनका श्रृंगार किया था माता रानी का। देखिए कितने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर। और आज मैंने अष्टमी का दिन है, ये सुबह सुबह का है, उनको नहला धुला करके लड्डू गोपाल जी को आज उनको माता रानी का रूप धारण करवाया है, उनका उसी रूप में श्रृंगार किया। कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए, इतने प्यारे। और उनको भोग लगा दिया था, देखिए मक्खन है, अरबी की सब्जी बनाई थी मैंने, दही है, पराठा। तो सुबह भोग में मैंने यही बनाया था, शाम हो गई थी, शाम को मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और ये बनाई है मोगरी की सब्जी, ग्रीन ग्रीन आती है ना, लंबी लंबी फली टाइप आती है, मोगरी बोलते हैं इनको। उसके साथ मैंने गोभी मिक्स करके बनाई, बहुत से आलू डाल करके बनाते हैं। एक्चुअली क्या मेरे हस्बैंड आलू नहीं खाते, तो मैंने इस तरह से बनाई है, और मेरा तो फास्ट है, और बेटी ये मोगरी खाती नहीं, तो सिर्फ मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ही ये थोड़ी सी सब्जी बनाई है, ताकि और अगर वो लेना चाहेंगे तो पकौड़ी भी ले लेते हैं साथ में, खाने के साथ में। और बेटी ने बोला कि मैं तो पकौड़ी ही खाऊंगी, तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना और आलू के पकौड़ी। मैं फास्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अकेला का व्रत होता है तो मैं ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती हूँ, तो मैंने ये आलू उबाल दिए थे और साबूदाना थोड़ा ज़्यादा ही गला दिया था, मुझे पता था कि थोड़ा बहुत सब ले लेंगे, व्रत नहीं है फिर भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उनको पसंद है पकौड़ी का भी। तो ये देखिए इस तरह से गला दिया था मैंने फिर में, और एकदम खिला खिला इस तरह से, बीच बीच में छीटे देते हैं घंटे भर, घंटे दो घंटे में, और बहुत ज़्यादा पानी डाल करके नहीं गलाना है, जितना डूब जाए बस उतना ही। और ये देखिए तीन चार बार वॉश करने के बाद मैंने कितने मोती जैसे चमक रहे हैं बिल्कुल, इस तरह से गला दिया है। और मैंने आलू उबाल लिए थे 6-7, और हरा धनिया, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च काट ली थी, इसके मैं पकौड़ी बनाऊँगी। और मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, बस ये सब डाल करके और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और नमक डाल दूँगी, और उसको सारा पूरा मैश करने के बाद इसकी गोल गोल पकौड़ी बनी। इसमें डाल दिए मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही है नमक, सेंधा नमक। और इसको अच्छे से जो आलू है उनको फोड़ लूँगी, और उसको अच्छे से मैश करने के बाद जो हमारा साबूदाना भीगा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छे से पूरा मिला लेना है एक साथ करके, और उसकी इस तरह से गोल गोल टिक्की बना लेनी है, और बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है टिक्की। और अब मैं इनको सेक लूँगी, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, और अच्छा सा गर्म होने के बाद इनको एक एक करके डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे दही के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए, किसी के भी साथ खा लिए, और जिनका व्रत नहीं है तो वो सॉस वगैरह के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने पूरे नवरात्र तो नहीं रखे, सभी की तबीयत भी ख़राब है, इसका मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी, बेटी की तबीयत तो अभी भी ख़राब चल रही है, बेटर है पहले से। तो मैंने तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं की, मैंने तो फर्स्ट और लास्ट और सारा काम तो मुझे करना ही है, और मेरे से नहीं हो पाता। देखो मेरे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि भाई मुझे करना ही है, फर्स्ट और लास्ट कर लिया था। और ये देखिए माता जी की कृपा कितनी हुई है हमारे ऊपर, तो हमारे एक मिलने वाले हैं वैष्णो देवी, अभी नवरात्रों में गए थे और वहाँ से प्रसाद लेके आए, और ये देखिए माता जी का पूरा जो प्रसाद है वहाँ का हमें मिला है। और माता जी की मतलब ये देख लो कितनी कृपा हुई है कि वहाँ का स्वयं माता जी का प्रसाद हमको प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई। और ये देखिए माता जी का सिक्का, इसमें माता जी की फ़ोटो है इसमें, और ये प्रसाद पूरा बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हुई कि नवरात्र में ही माता वैष्णो देवी का हमें जो प्रसाद है जो प्राप्त हुआ हमें। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, और उनको भी मैंने भोग लगा दिया है, साबूदाने टिक्की का, माता जी को भी लगा दिया था, और बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। और ये देखिए अब रात हो गई है तो थक गए हैं बेचारे वो भी, तो मैंने सोचा चलो उनके कपड़े उपड़े जो भी श्रृंगार हैं उतार दूँगी, तो पहले दूध लेकर के आ जाती हूँ, और वो दूध पीने के बाद उनका सोने का टाइम हो जाएगा। फिर
और मौसम में भी काफ़ी चेंज आ गया, हल्का सा जैसे फ़र्क पड़ने लगा है कि इतनी गर्मी है, गर्मी तो है लेकिन हल्का सा सुबह शाम के टाइम में थोड़ा चेंज आ गया। उसी तरह से आप जो हमारे लड्डू गोपाल जी, उनके भी पहनावे का ओढ़ने का थोड़ा सा चेंज मतलब करना चाहिए। जैसे हल्का सा सुबह सुबह अगर उठते हैं तो हल्का सा जैसे ऊनी या वेलवेट के कपड़े पहनाएं, और जैसे नहलाएं तो हल्का सा गुनगुना पानी करके। तो मैंने तो ये स्टार्ट कर दिया, जैसे दिन में नहलाती हूँ तो हल्का सा गुनगुना, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का सा, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर होने का टाइम हो गया तो मैं उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, जो भी सारा श्रृंगार है, क्योंकि चुपता है फिर और कंफर्टेबल नहीं होता, तो सारा श्रृंगार उतार दी। तो ये इनका बॉक्स है, इसमें सारे नाइट सूट रखे हुए हैं उनके, और उनको बना देती हूँ। और ये वाला नाइट सूट इनका फेवरेट है, ब्लू कलर इतना प्यारा लगता है इनके ऊपर, और डिज़ाइन भी कितनी डिफरेंट है। और ओढ़ने में भी थोड़ा सा मैंने मोटा, मतलब रजाई तो नहीं निकाली लेकिन थोड़ा सा मोटा ओढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ताकि इनको ठंड ना लगे। जैसे पंखा भी चलता है ना तो लगती है ठंड। तो ये देखिए हमारे कपड़े चेंज हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी के, और हम इनको चला देते हैं। और उनका फेवरेट टेडी बियर, उनका खिलौना, ये तो साथ रहता है हमेशा। और उनको थोड़ा सा ला करके बोरी का ला देते हैं। राधे राधे, शुभ रात्रि। और आपको ये सबको शुभ रात्रि बोल रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी सभी को। और आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये मतलब मेरा क्या लड्डू गोपाल जी का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।